टुटू गिरा दिया था, टुटू गिरा दिया। पता नहीं क्या वो नजर लगी है किसी की, डस्टिंग कर रही है। कब सुबह हुई कब रात हुई, अभी जब नजर उतारूंगी ना तब देखियो। जितना गिरेगी ना उतनी ज्यादा नजर है, उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसे आप बोलो बहुत गंदी नजर उतरी है। इससे क्या थोड़ा हाइजीन बना रहता है। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। कैसे हैं आप सब, होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और हमने सोचा कि बच्चे सोए नहीं है तो ब्लॉग अभी स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है ऑलमोस्ट। अभी बस चीकू को जा रही सुलाने क्योंकि वो अभी तक सोया नहीं, उसका खाना वाना हो गया, बस उसको सुला देती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस हमारी जो तूबा रानी है वही सो रही है, बाकी अयान, जैद, चीकू सब जाग रहे हैं। तो पाल बस चीकू को सुलाने के लिए गई है। जैद अभी रोने वाला है क्योंकि ना जैद को मैंने दवाई दी है और मैं उसको दवाई के 10 मिनट बाद उसे फीड कराऊंगी, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा रहा है। तो मैं आंटी को बोल रही हूँ आंटी से घुमा लो, क्योंकि क्या है जब भी मैं बच्चों को दवाई पिलाते हैं और उसके बाद फीड करा देते हैं ना तो वो दवाई सारी निकाल देते हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो गाइस आज बनाए खाने में टिंडे की सब्जी और साथ में येलो दाल। तो मैंने तो अपना खाना खा लिया है, येलो दाल खा ली, साथ में रोटी खा ली है। बस अब बच्चों को सोने का वेट है, बच्चे सोए तो फिर मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँ, क्योंकि आज ना क्या हमने बहुत ज्यादा डीप सफाई करी घर की, बहुत सारी ऐसे की आपको दिखा देती हूँ। पूरा जो फ्रिज है वो क्लीन हुआ अच्छे से, साथ ही साथ ना फ्रिज के ऊपर का जो कवर होता है वो ठीक हुआ है, सारे ड्रॉर्स की सफाई हुई है। यहाँ मेरी तूबा जो है वो सो गई है, उसको अभी भी फीड कराया था मैंने, सो गई है। यहाँ पे जैद भी सो रहा है और यहाँ पे जो है मेरा अयान अभी तक जागा हुआ है, इसको भी फीड कराया है और इसने कपड़े चेंज करे हैं क्योंकि इसने टुटू गिरा दिया था, टुटू गिरा दिया। तो गाइस मैंने ना अभी एक हैक देखा था कि स्लाइम से ना अगर आप यहाँ से साफ करोगे ना तो साफ हो जाएगा, तो मैंने अपनी स्लाइम से खेल लिया तो अब इसको करते हैं। तो सच में मम्मा बहुत काम का हैक है। वाओ चीकू आप क्या क्या हैक देखते हो यार, बच्चा आजकल के बच्चे ना इतने इंटेलिजेंट हो गए ना, बता नहीं सकती गाइस आपको मैं। तो गाइस ये जो चीजें है ना चीकू को कोई सिखाता नहीं है, खुद से देखता है, खुद से मतलब कि सब कुछ देखता है, मुझे बता रहा है मम्मा मैंने स्लाइम से ना बहुत दिन से खेल रहा हूँ, स्लाइम खराब हो गई है पर मैं फेंकूंगा नहीं, मैं उससे घर की सफाई करूंगा। चीकू एक काम करते हैं, हम सारे घर के जो ये है ना रेलिंग है वो सब साफ करते हैं। देखो ये सारा गंदा हो गया, चीकू कितना गंदा हुआ है, बहुत गंदा, और यहाँ की सफाई हो गई बेटा अच्छे से। हाँ बहुत अच्छे से हुई है। चीकू ये थोड़ा कोना रह गया, मम्मी ऐसे ही रहेगा। तो गाइस पता नहीं सुबह से क्या हो गया कृष्णा को, सो नहीं रहा, बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। पाल एक बार गले लगा के दिखा लिया, फीड लगा के दिखा लिया, फीड भी नहीं ले रहा है, पता नहीं क्या वो नजर लगी है किसी की। तो गाइस ऐसे ही ना थोड़े दिन पहले भी हुआ था, जैद ना रात भर पूरा दिन नहीं सोया था, पूरा दिन। तो मैंने पायल को शाम को कहा था, मैंने कहा पायल मुझे लग रहा है इसको ना नजर लगी है इसलिए नहीं सो रहा। तो जैसे ही पायल ने नजर उतारी ना तो पायल वो क्या गिरती है जब तुम नजर उतारी, जब वो हम जोत से दो बाती वाली जोत करते ना तो नजर झड़ती है, तो वो नीचे ऐसे टप 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 गिर रही थी। तो आज ना रोली भी नहीं आई है, तो घर पे सिर्फ हमारी जो नैनी है वो है। तो अभी बस हम काम में लगे हैं, मैं पायल लक्ष्य हम सारे काम में लगे, जैसे जैसे करके हमने लंच तो कर लिया है मैंने पायल ने, क्योंकि क्या है कि लंच करना बहुत ज्यादा जरूरी था, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो बहुत तेज भूख लग रही थी, और लंच भी हमने क्या किया 3:30 बजे करा है। तो यहाँ पे डस्टिंग चल रही है, तो पायल सारे के सारे सोफे और डस्ट कर रही है अच्छे से, डस्ट कर रही है, डस्टिंग कर रही है, डस्टिंग कर रही है। तो गाइस हमारी जो फ्रूट वाली बास्केट है ना उसमें हमने फ्रूट्स डाल दिए हैं, बनाना डाल दिया है। अब क्या सामने बनाना रखा होगा ना, तो जिसको भी खाना होगा चलते फिरते बनाना खा लेगा, क्योंकि घर में सबसे ज्यादा जो फ्रूट खराब होता है ना वो बनाना ही होता है, हर किसी के घर में बहुत जल्दी खराब हो जाता है ये। तो गाइस अयान, तूबा और जैद ना सो नहीं रहते मेरे हिसाब से ना, उनको जो डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए गोलू सबको दे रही है ड्राई बॉटल, और अभी सिर्फ जैद को दी है तो जैद शांत हो गया, जैद खेल रहा है। कियारा को भी दे रहे हैं ड्राई बॉटल, मेस्टी मेस्टी टेस्टी टेस्टी ड्राई बॉटल। तो यहाँ पे ना 5 साल के सारे शूज सारी सेट कर दिए, पूरी अलमीरा ना खराब हो गई। तो गाइस अभी बज गए हैं रात के 9:30, ये लगा लो सुबह से पूरा दिन का पता ही नहीं चला, पूरा दिन कहाँ गया कहाँ नहीं गया बिल्कुल पता नहीं चला। तीनों बच्चे एक एक बार सोकर उठ भी गए, मतलब ये लगा लो अयान तो सोया ही नहीं। तो अभी मेरे पास मेरा कृष्णा है, कृष्णा को पता नहीं आज क्या हो गया, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, आधा घंटा सोता है फिर उठ जाता है। सुबह से लगा लो 12 बजे से लेके 9:30 बजे के बीच में इस बच्चे ने अपनी हद मार के 1 घंटे की नींद पूरी की होगी। और ये वही वाली बात हो गई, सेम अभी कुछ टाइम पहले की बात है, जैद के साथ भी यही हुआ था, दोपहर के 1 बजे से लेके रात के 1 बजे के बीच में ये बच्चा पूरा 1-1.5 घंटा सोया था। तो आज कृष्णा कर रहा है, पूरा दिन बस बच्चों में निकल गया, टाइम का पता ही नहीं चला कब सुबह हुई कब रात हुई। तो बस अभी मैं बच्चों को घुमा रही हूँ, किचन में आ गई हूँ। तो आज बने हैं खाने में, मुझे नहीं पता क्या बना, मैं देख के बताती हूँ आपको। आज बनी है भिंडी की सब्जी और साथ में बनी है सिंपल दाल। और गाइस यहाँ पे सारी फ्रूट्स और सब्जियां भी आ गई है, तो ये सब कुछ ना फ्रिज में लगाना, अभी यहाँ ही पड़ा, टाइम ही नहीं मिला लगाने का भी। तो गाइस आज मैं
गोलू, नैनी और अपनी लक्ष्य, हम सब इतने ज्यादा परेशान हो गए ना, इतने ज्यादा परेशान हो गए। 9:30 अभी बताया था आपको टाइम हो गया, सुबह से ना तीनों बच्चों ने इतना ज्यादा परेशान किया हुआ, इतना ज्यादा परेशान किया हुआ। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इन बच्चों की ना अलग अलग से एक एक करके नजर उतारने वाली हूँ, और जिसने भी नजर लगाई है ना उसका नजर लगाने वाले का ना मुंह काला करने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों को इतनी ज्यादा नजर लगी हुई है जितना मुझे पता लग रहा है, एहसास हो रहा है। तीनों बच्चों में इतनी ज्यादा बेचैनी हो रही है, ढंग से कोई भी नहीं सो पा रहा है। तो मैं एक एक करके पहले सबकी नजर उतारती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। आप भी अपने बच्चों को, अगर घर में आपके बच्चे ऐसे लग रहे हैं कि वो सो नहीं रहे, ढंग से खा नहीं रहे, पी रहे हैं, परेशान है बच्चे, तो अगर कोई जैसे पेट दर्द वेट दर्द ना हो ना, तो नजर उतार के जरूर देखना बच्चों को, नजर जल लगी होती है। हाँ, आ रही हूँ। तो यहाँ पे ये टूबा देख लो, इसको भी नींद नहीं आ रही, ये भी कह कह कर रही है। यहाँ पे आयान, ये अभी जस्ट अगर गोदी से उतारोगे तो फिर रोने लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जैद नहीं बाबू, नहीं नहीं, सबकी नींदें उड़ी हुई है बाबू, ना 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 आ रखी है। बोलो मैं एक करके सबकी, मैं सबकी दिनों की नजर उतार रही हूँ, ठीक है। पता नहीं पांच सो ही नहीं रही है सुबह से, सुबह आप मानोगे नहीं गाइस, मतलब ये लगा लो मेरे को, देखो फिर देख पाए बच्चे। नहीं बस मम्मी अभी तुम सबका, बस बस बेटा अभी तुम सबका इलाज कर रही हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपको आपके घर में अगर एक बच्चा है तो दो बाती बनानी है ऐसे करके, दोनों बातियों को मिक्स करना है ऐसे। हमारे यहाँ तीन बच्चे ना, तीनों बच्चों के उतारने, तो मेरे को 6 बातियाँ बनानी पड़ी। पर दो बाती क्यों बनाते हैं, एक में जोड़े से नजर जल्दी अच्छी उतरती है। अभी जब नजर उतारूंगी ना तब देखियो, इतनी भी गंदी नजर हो ना, जिसकी भी पक्की से पक्की नजर हो ना वो भी उतर जाएगी, ठीक है। एक हमारी डन हो गई। तो गाइस ऐसे आपको नजर उतारनी है 7 times, ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे। गाइस हमारे यहाँ पे ना बहुत ज्यादा हवा चलती है, तो इसलिए पायल धूप से जला रही है। तो गाइस आप देख सकते हो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नजर है पायल, किसी ने इतनी गंदी नजर लगाई है ना, मैं तुझे बता नहीं सकती। कागज भी नहीं जल रहा है, वरना कागज तो जल जाते हैं। कहते है। नजर उतारते हुए बोलते नहीं है, पर हमारी नजर ऐसी है ना, मतलब हमारे बच्चों को ऐसे नजर लगी हुई है कि बहुत गंदी नजर, बहुत गंदी नजर। बट कोई बात नहीं गाइस, बोलते है ना बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो बस हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमारे से जो हो पाएगा हम वो करेंगे अपने बच्चों के लिए, ट्राई करेंगे कि बच्चों को नजर ना लगे। अब दोबारा से देखो, कोशिश करिए, देखो पेपर का गोला बना के ना नजर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अब बहुत अच्छी आंख दी है, हाँ पायल अब उतर जाएगी, सब कुछ बनवा के देख लेगा, सब कुछ नजर करने का टाइम नहीं लगता, बिल्कुल टाइम नहीं देगी। देखो देखिए आपको सब कुछ दिख रहा होगा, दोबारा कोशिश कर रहे हैं, हम हार नहीं मानेंगे, दोबारा कोशिश करेंगे, नजर उतार के रहेंगे, देखते हैं। कोशिश कर रहे हैं, फिर से उतर रहे हैं, इसकी उतर जाए नजर, देख कितनी गंदी नजर है, कितने मुंह बन रहे हैं इसके बाद, बहुत गंदी नजर है गाइस, देख सकते हो। पता नहीं कौन है, पता नहीं किसकी नजर लगी बच्चों को, नहीं तो एक बार पायल आग लगने के बाद रुकती नहीं है ये, दोबारा बुझ रही है, इसका मतलब बहुत गंदी नजर है। अब इससे पता चलेगा, अभी जितना गिरेगी ना उतनी ज्यादा नजर है। तो गाइस हमारा जो यान है हमारे कृष्णा की बिल्कुल भी नजर नहीं उतर रही, ये लगा लो पिछले 20 मिनट से हर एक, बोलते हैं ना हर एक कोशिश कर ली पर नजर उतर ही नहीं रही थी। तो पायल क्या कर रही है, दोबारा नजर उतार रही है, और इस बार ना नजर उतार के रहेंगे, क्योंकि जो नजर है ना बहुत ज्यादा ढीठ है, बहुत ही गंदी नजर लगाई है जिसने भी लगाई है, उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। बट कोई बात नहीं, माए उसकी कोशिश करेंगे फिर से। तो गाइस हम लोग आ गए हैं वॉशरूम में, और यहाँ पर नजर उतारने की ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे हवा नहीं चल रही, अब पता चलेगा नजर का। एक बार में जो हमारी नजर की पत्ती है ना, देखो कितनी कितनी अब कितनी ज्यादा अभी से होने लग गई, ध्यान से जन्म जाइए तो ध्यान से, ओहो टप 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 टप, देखो कितनी गंदी नजर है, ये देख सकते हो आप सारा, जितनी ज्यादा ये लॉ है ना, जितना गिरती है ना उतनी ज्यादा नजर होती है, उतनी ही ज्यादा बाबू। अब आपकी नजर भी उतार दी, आपको जिसने नजर लगाई है उसका भी मुंह काला कर दे, कह रही मम्मा कर दो, अभी कर देते हैं, जैसे आप बोलो। तो एक बार गाइस फिर देख लो, 7 times करना होता है ये, इस हाथ से करना होता है इस ऐसे। तो अब है टर्न हमारी तूबा बाबू की, और नजर तो देखो तीनों बच्चों को लगी हुई है, और तीनों के अलग अलग उतारनी चाहिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कितनी, ये भी हो पायल, पायल सच में यार बहुत गंदी नजर उतरी है, बहुत ही गंदी, मतलब ऐसे लगा हुआ जैसे ना पता नहीं अंदर ही अंदर कितने लोग बोलते होंगे बच्चों के बारे में, नजर उतरी जा रही है, उतरी जा रही है। अयान को ज्यादा लगी थी, हाँ अयान को बहुत ज्यादा नजर लगी थी, बहुत ज्यादा। अभी तो सुबह से लड़का सो नहीं रहा, 12 बजे से लेके रात के 10 बज गए हैं भाई, हम भी बच्चों को ऐसे देखते हैं ना नींद नहीं आती बिल्कुल भी, ना काम करने का मन करता है, इसलिए गाइस हम व्लॉग भी अब ले नहीं पाए, क्योंकि बच्चों की वजह से थे ही इतनी ज्यादा परेशान के बच्चे सो नहीं रहे, रोए जा रहे हैं। पार कर दे इसका मुंह काला। तो
गाइस अब है जैद की टर्न और तीनों बच्चों की नजर उतर जाएगी ना, उनको भी हल्का लगेगा और वो सो जाएंगे ना तो हम लोगों को शांति मिलेगी, क्योंकि सुबह से बताया ना बच्चे बिल्कुल नहीं सो रहे, तो बस अब पायल जैद की नजर उतार रही है। तो गाइज मैं आप लोगों को ना एक बात और बता देती हूँ, जो नजर उतारता है ना जब तक वो नजर नहीं उतारता तब तक वो बोलता नहीं है, तो जैसे ही पायल ने बच्चों की नजर उतारी ना फटाफट वो भाग कर आई, क्योंकि वो बोलेगी तो वो टोप पड़ जाती है। और ये भी होता है कि जैसे तुम्हें कोई बोले नजर उतार दो तो उस वक्त नहीं उतारते, बोलने के बाद नहीं उतारते, अपने आप उतारते हैं, तो टोप पड़ जाती है। तो अभी जैद की उतर रही नजर, तो देखती हूँ मैं कितनी नजर लगाई बच्चे को, सुबह से वो भी नहीं गाइस ऐन की तरह सो रहा, ध्यान से बोली है देखो कितनी कितनी पायल कितनी मुंह गिर रही है, बहुत ज्यादा गिर रही है, अब उतरने तो दे, और अब ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा बच्चों को, बच्चे आराम से सो जाएंगे। मुंह आ रही है ना पायल इसकी, पायल एक नजर तो आती है आराम से हो गया, सो गया। यही होता है माँ बच्चे के लिए जो करती है अच्छे के लिए। तो यहाँ पे ना सारी सारी सब्जियां जो आई थी फ्रूट आए थे, पायल सब कुछ लगा रही है फ्रिज में। तो गाइस ये सारा जो लहसुन है ना ये अभी मैं ना छिलवाऊंगी, छिलवा के ना लहसुन अदरक का पेस्ट घर का बना के रखूंगी, ताकि जब भी सब्जी बनानी हो ना वो लहसुन अदरक का पेस्ट घर पे बना होता है ना उसका टेस्ट अलग होता है, तो इसको मैं स्टोर करूंगी एक बाटली में, इतनी छोटी कांच की बाटली में। तो गाइस यहाँ पे आगे बहुत सारे कपड़े जो कि मुझे लगाने हैं, और इनमें हमारे बच्चों के कपड़े भी है, ट्यूबा फ्रॉक भी है, मेरा पायल का वन पीस सूट सारे कपड़े लगा देते। तो गाइस हमने कुछ टाइम पहले ना बच्चों के लिए बेबी केयर किट मंगवाई थी, तो ये किट आ गई है, तो बहुत ही यूजफुल किट है। क्या होता है, जैसे बच्चों को हम ग्राइप वाटर देते हैं तो उसका जो ड्रॉपर होता है ना बहुत छोटा होता है, तो ये हम ड्रॉपर इजिली बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं ग्राइप वाटर में, क्योंकि उसकी जो ग्राइप वाटर की काफी ना मतलब की बॉटल होती है काफी ऐसी लंबी होती है, तो ड्रॉपर डालते ना सही से यूज नहीं हो पाता। साथ ही साथ बच्चों के लिए सीजर भी है, नेल कटर भी है, थर्मामीटर भी है, और बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है। और साथ ही साथ दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी है जो कि मैंने अभी पढ़ा है इसके बारे में, एक है एस्पिरेटर बच्चों के नोज के म्यूकस के लिए, और एक है सेफ क्लीनिंग ट्वीजर, ये भी बच्चों के म्यूकस निकालने के लिए, साथ ही साथ अगर बच्चों के कान में ईयर वैक्स हो तो वो भी निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने कुछ भी यूज नहीं करा है, तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहेंगे ना तो हमने ऑटोमेटिकली चीजें मंगवा ली, ताकि इस चीज को पहले हम वहां पे भी लेके जा सकते हैं अपने साथ, जैसे कहीं जाना हो ट्रैवल के लिए सामान को पैक करो ट्रैवल के लिए। तो गाइस साथ ही साथ मैंने एक सिलिकॉन का टोंग मंगवाया था, ये क्यों मंगवाया, क्योंकि सिलिकॉन का जो टोंग है ना स्टेलाइजर में पिघलता नहीं है, तो इसके साथ हम बच्चों के जो बर्तन है उसे पिक कर सकते हैं, जो बच्चों के पैसिफायर्स है उसे पिक कर सकते हैं, इससे क्या थोड़ा हाइजीन बना रहता है। तो गाइस मुझे ना एक बात और याद आ गई, जब मैंने ये दो सामान मंगवाए थे ना इसके साथ साथ मैंने एक एयर टाइट कंटेनर मंगवाया है चीकू के लिए, क्योंकि चीकू रात को बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स पीडियाश्योर तीनों में से बच्चों को जो पसंद आता है आप भी बच्चों को देते होगे, तो उस कंटेनर में क्या है आपका जो बच्चे का पाउडर है ना वो बिल्कुल सेफ रहेगा, तो इतना बड़ा मैंने साइज मंगवाया ताकि बच्चे का जो पीडियाश्योर हॉर्लिक्स है आराम से आ जाए। तो गाइस देखो ये है वो बॉक्स, और पता है क्या चीकू ने ना इसको आते ही ना हल्का सा यहाँ से ब्रेक कर दिया, बट कोई बात नहीं है फिर भी एयर टाइट रहेगा। तो ये है कि आपके बच्चों को ट्रैवलिंग करनी हो ना तब भी आप इसको कैरी कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लग रहा है ना भाई। तो गाइस ये जो तुरने की बात का असर देखो, ये ना लड़का सुबह से ही जगा हुआ था, सुबह से बिल्कुल बेचैन हो रहे थे दोनों बच्चे, यहाँ पे जैद है यहाँ पे अयान, अभी जैसे नजर उतरी ना इनकी आराम से सो गए, और आप भी ना ये नजर उतारने का नुस्खा अपने घर में जरूर आजमाना। तो गाइस ये जो फ्रॉक है ना इस फ्रॉक के बारे में बता देती हूँ, ये सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट फ्रॉक है, हमने बहुत ही चाह से ली थी, और जब हमने ये फ्रॉक ली थी ना तब हमारी डिलीवरी नहीं हुई थी, हम बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे थे, तो हमने भैया को बोला था, मैंने कहा भैया हम लेके तो जा रहे हैं बट ना अगर बेबी गर्ल नहीं हुई ना तो आप वापस ले लोगी ना, वो कह रहे हाँ हम ले लेंगे। तो बस ये है कि भगवान से जो भी मांगो ना सच्चे दिल से मांगो आपको जरूर मिलता है। तो गाइस अभी हो रहा है डिनर मेरा, तो आज डिनर में आपको बता दिया था क्या बना, तो मेरे को भिंडी बहुत ज्यादा पसंद है। साथ ही साथ ना गाइस आजकल ना व्लॉग हमारा हो नहीं पा रहा, व्लॉग क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि क्या पायल व्लॉग में बहुत ही कम आती है, बिना पायल के बिल्कुल भी मस्ती नहीं हो पाती, पहले क्या होती थी पायल होती थी ना तो मस्ती करते थे, अब पायल का पता नहीं क्या आजकल पायल ना बहुत चुपचाप रहती है, देखो अभी भी चुपचाप है, ओए खाना तो खा ले। तो गाइस इसी के साथ ये वाला व्लॉग यही एंड करते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक जिन्होंने हमारे नंबर वन रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 15 जून को गाना आ रहा है अरमान जी का। बाय गाइस गुड नाइट।